कर रहे हैं, इन दोनों स्टॉक्स को रेडार पे रखेंगे। इसी कड़ी में एक नंबर जो थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर गया, थोड़ा सा नहीं तगड़ा डिसअपॉइंट कर गया, वो है वोल्टास। और वोल्टास ऑफलेट डिसअपॉइंट कर रहा है वैसे इंडस्ट्री को, पियर सेट्स को से कंपैरेटिवली। रेवेन्यू मोमेंटम ठीक ठाक है, 5% साल दर साल बढ़ा। खैर ऐसी एक्सपेक्टेशन भी थी कि म्यूटेड रेवेन्यू मोमेंटम होगा, 5% बढ़ेगा। उसके नीचे मामला गड़बड़ा गया, इबीटा 115 करोड़ की एक्सपेक्टेशन के सामने आया 102 करोड़, 22% इबीटा गिर गया। मार्जिन्स ऑलमोस्ट 200 बेसिस पॉइंट्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए। स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा था मार्जिन्स गिरेंगे, पर ज्यादा से ज्यादा 100 बेसिस पॉइंट्स गिरेंगे, 1% गिरेंगे, 1% की जगह 2% मार्जिन गिर गए। और कहां 80 करोड़ रुपए मुनाफे की उम्मीद करके बैठे थे सब, 7 करोड़ का लॉस आ गया। तो रिजल्ट से पहले कल दमखम दिखाया, बढ़िया दमखम दिखाया, होप्स थे, रिजल्ट से डिसअपॉइंट कर दिया है। तो आई एम होपिंग कल जिन्होंने एक्यूमुलेट किया होगा शायद आज पोजीशन अनवाइंड हो। तो रखिए रडार पे, ये नंबर्स तो डिसअपॉइंटिंग है, उसके चलते रेड है ये स्टॉक।